जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पंचायत सहायक भर्ती से रिलेटेड हम हर एक लेटेस्ट अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रशिक्षित करने जा रहे हैं जिनके जिनकी ड्यूटी लगी है चुनावी ड्यूटी के रूप में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको कार्य करना है और कैसे आप अपना काम बहुत ही सतर्कतापूर्वक कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने कार्य का निर्वहन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। आपसे निवेदन करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके, सही जानकारी को समझ पाएँ और जान पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आपको प्रशिक्षण देना हम अभी शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला चीज़ है, मैं आपको बता दूँ, वीडियो फोटोग्राफी। अगर वीडियो फोटोग्राफी में आपकी ड्यूटी लगी है तो क्या क्या चीज़ें करनी है, इस चीज़ को समझना जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले नंबर से मैं आपको यहाँ पे बताना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वीडियो फोटोग्राफी हेतु कैमरा ड्यूटी आदेश प्राप्त करने हेतु आवश्यक निर्देश। ग्राम रोजगार सेवक पंचायत सहायक कैमरा एवं ड्यूटी आदेश प्राप्त करने हेतु एक सफ़ेद कागज़ पर निम्न सूचना अंकित कर काउंटर पर उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, ये है कैमरा एवं ड्यूटी आदेश प्राप्त करने हेतु। अगर आपको आदेशित किया जाता है, आपके नाम का पर्चा आ जाता है कि आपको ड्यूटी लगाया गया है कैमरामैन के तौर पे चुनावी ड्यूटी में, तो आपको अपना नाम, तैनाती का विकास खंड, तैनात का ग्राम पंचायत, मोबाइल नंबर, आवंटित विधानसभा क्षेत्र क्या है, वो आपको यहाँ पे फिलअप करके वहाँ पे दे देना है। दूसरा चीज़, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी है तो कैमरा ड्यूटी आदेश प्राप्त करने हेतु आवश्यक निर्देश है, इसको भी समझ लीजिए। उपरोक्त सूचना काउंटर पर उपलब्ध कराने के उपरांत ग्राम रोजगार सेवक पंचायत सहायक को काउंटर से एक कैमरा मय चार्जर एवं अतिरिक्त बैटरी सहित पहचान पत्र एवं ड्यूटी आदेश प्राप्त कराई जाएगी। आपका पहचान पत्र लिया जाएगा और वहां पे से आपको कैमरा दिया जाएगा और ड्यूटी आपकी कहाँ लगने वाली है इसके आदेश भी आपको वहां से दे दिए जाएंगे। तीसरा चीज़, कैमरा एवं ड्यूटी आदेश प्राप्त करने के उपरांत कैमरामैन अपने कैमरे एवं चार्जर की भली भांति प्रशिक्षण कर ले। यदि कोई समस्या होती है तो तत्काल काउंटर से संपर्क करें, आप चेक कर लेंगे। जब आपको कैमरा मिल जाता है, कैमरा सही से काम कर रहा है कि नहीं, चार्जर सही से काम कर रहा है कि नहीं, बैटरी जो है वो कहीं ख़राब तो है कि नहीं, ये तमाम चीज़ें आपको वहीं पर चेक कर लेना। अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो आप काउंटर से जाके उसको चेंज करा लेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है वहाँ पर। दोस्तों, ये रहा तीसरा चीज़। आगे, मतदान स्थल बूथ हेतु प्रस्थान। ग्राम रोजगार सेवक पंचायत सहायक कैमरा एवं आवंटित मतदान केंद्र बूथ का ड्यूटी आदेश प्राप्त करने के उपरांत आवंटित मतदान केंद्र बूथ हेतु जाने वाले वाहन के माध्यम से पहुंचेंगे। यानी कि आपको अपने वाहन से नहीं जाना है, जहां पे आपकी ड्यूटी लगाई जा रही है आपको वाहन नंबर वहां पे बकायदा बताया जाएगा, वहां पे बूथ नंबर, मतदान केंद्र बताए जाएंगे, आपको व्यवस्था की गई वाहन के द्वारा ही वहाँ पर प्रस्थान करना है। आगे, मतदान तिथि को वीडियो फोटोग्राफी करने के संबंध में आवश्यक निर्देश। ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये समझना जानना बहुत ही ज़रूरी है। मतदान प्रारंभ होने से मतदान पूर्ण होने तक वीडियो फोटोग्राफी करेंगे। ये बड़ी चीज़ें हैं। यदि मतदेय स्थल के आसपास कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका वीडियो बनाएंगे, उसका भी वीडियो आपको बनाना है। दूसरा, दिखावटी मतदान मॉक पोल की वीडियो अनिवार्य रूप से करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। मॉक पोल मैंने अपने चैनल पे आपको समझाया भी था, मॉक पोल क्या है, चुनाव से पहले किस तरीके से मॉक पोल कराना बहुत ही ज़रूरी है। मॉक पोल का मतलब है कि ईवीएम को चेक करना, ईवीएम सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम वोट कहीं और दे रहे हैं तो ईवीएम वोट किसी और पर डाल रही है। ये सारी चीज़ें मॉक पोल में चेक की जाती हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है, अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने हैं तो। दूसरा चीज़, यहाँ पे दोस्तों आगे देखते हैं, मतदान तिथि को वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने के संबंध में आवश्यक निर्देश। यदि मतदान के समय कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट अथवा वीवीपैट मशीन को बदलने की स्थिति उत्पन्न होती है तो वीडियो फोटोग्राफी करेंगे। अगर जब आप चेक करते हैं, अगर उधर उसमें जो वोट आप डाल रहे हैं, मॉक पोल कर रहे हैं, उस समय
अगर कोई भी परेशानी आती है, ऐसा लगता है कि मशीन सही से काम नहीं कर रहा है, उसके बाद अगर वो मशीन चेंज की जाती है तो उसकी भी वीडियो फोटोग्राफी आपको करनी है। तीनों चीज़ें जब चेंज होगी, कंट्रोल यूनिट चेंज होगा, वैलेट यूनिट चेंज होगा, वीवीपैट चेंज होगा, तो ये तीनों चीज़ों की वहाँ पर आपको वीडियो फोटोग्राफी करनी है। यदि मतदान समाप्ति के समय भी अपराह्न 6 बजे मतदान केंद्र पर मतदाता लाइन में खड़े हैं तो मतदान की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी करेंगे। ये भी समझिए, मतदान तिथि को वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने के संबंध में आवश्यक निर्देश। मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर यदि कोई प्रत्याशी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता आता है तो मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उसकी वीडियो फोटोग्राफी अनिवार्य रूप से करेंगे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर कोई भी प्रत्याशी आता है वहाँ पे मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट देने के लिए बोलता भी है तो उसकी भी फोटोग्राफी आप करने वाले हैं। मतदान के समाप्ति के उपरांत वोटिंग मशीन की सीलिंग व पैकिंग की समाप्ति तक वीडियो फोटोग्राफी करेंगे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख रहे हैं मतदान की समाप्ति के उपरांत वोटिंग मशीन की जब सीलिंग होगी तो वहाँ भी आप पैकिंग की समाप्ति तक वीडियो फोटोग्राफी करेंगे, ये भी चीज़ है। और जो आप जो वहाँ पे जो मैं आपको बताया था मॉक पोल के बारे में, मॉक पोल के बाद तक आप वीडियो फोटोग्राफी करेंगे जब तक मशीन को सील नहीं कर दिया जाता है। यहाँ पे आगे देखते हैं दोस्तों, मतदान तिथि को वीडियो फोटोग्राफी करने के संबंध में आवश्यक निर्देश। मतदान के दौरान कैमरा खराब होने की स्थिति में इसकी सूचना तत्काल अपने पीठासीन अधिकारी के माध्यम से संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट या आरओ को देंगे। वहाँ पे जो पीठासीन अधिकारी है उसको आपको बताना है कैमरा खराब हो गया है। ASD वोटर लिस्ट का कोई वोटर मतदान करने हेतु आता है और पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे मतदान की अनुमति दी जाती है तो उसकी वीडियो फोटोग्राफी आप अनिवार्य रूप से करेंगे। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। मतदान समाप्त होने के उपरांत कैमरा भी आपको जमा करना है। मतदान पूर्ण होने के पश्चात ही कई वीडियो फोटोग्राफी की सॉफ्ट कॉपी मंडी समिति रौजा शाहजहाँपुर के मंडी सचिव के बैठक हॉल में विधानसभावार लगाए गए कंप्यूटर में अपलोड कराएंगे तथा कैमरा की जमा पर्ची प्राप्त करेंगे। वहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, ये शाहजहाँपुर का PDF है लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे होगा क्या मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये जो जगह है वो चेंज हो सकता है, जो डिस्ट्रिक्ट है वो चेंज हो सकता है, ये जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे चेंज हो सकती है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे धन्यवाद, और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा और अच्छे तरीके से समझा कि आपको किस तरीके से काम करना है, आपको कितनी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, बिल्कुल आपको ये समझ लेना है, जान लेना है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कि जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए विदा लेंगे दोस्तों, जय हिंद।